हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटी ऑफ एन एक्यूमुलेटर। इट मींस एक एक्यूमुलेटर की कैपेसिटी कितनी होती है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं कि इसका मतलब क्या है, तो एक्यूमुलेटर जो होता है वो कितने चार्जेस को एक्यूमुलेट कर सकता है। एक्यूमुलेट मींस स्टोर कर सकता है, यानी कि एक एक्यूमुलेटर के अंदर कितने चार्ज वो अपने अंदर रख सकता है, उसी को बोला गया है एक्यूमुलेटर की कैपेसिटी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे को एक्यूमुलेटर की कैपेसिटी फाइंड करना है, वो मेज़र करना है, तो मेज़र कर सकते हैं कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। इट मींस उसके अंदर कितने चार्जेस हैं। अभी चार्जेस कैसे डिफाइन होंगे, उन चार्जेस को पता करना है कि कितनी क्वांटिटी है, इससे पहले कि वो डिस्चार्ज हो जाए। यानी कि कोई भी सेल डिस्चार्ज होने के पहले उसके अंदर कितने मैक्सिमम चार्जेस वो रख सकता है, उसी को बोला गया है कैपेसिटी ऑफ एन एक्यूमुलेटर। ओके स्टूडेंट्स, अगर बात करें इसके मेजरमेंट यूनिट की, तो ये जो है मेजर किया जा सकता है एम्पियर आवर में। ओके, तो चलिए इसको इनडेप्थ में थोड़ा क्लासिफाई करते हैं कि वन एम्पियर आवर यानी कितने कूलम्स चार्ज है, क्योंकि हमको ओवरऑल क्या करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि एक एक्यूमुलेटर कितने चार्ज होल्ड कर सकता है। एंड चार्जेस की जो एसआई यूनिट है वो है कूलम्स। ओके, तो इस वजह से हम इस कैपेसिटी की यूनिट को, विच इज वन एम्पियर आवर, को हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कितने कूलम्स चार्जेस आ सकते हैं। ओके, तो इसको हम सेपरेट कर देंगे, दैट इज वन एम्पियर इंटू वन आर। ओके, वन एम्पियर जो एज इट इज रहेगा, इंटू कर देंगे वन आर में कितने सेकेंड होते हैं, दैट इज 3600। ओके, तो ओवरऑल कितने हमको चार्ज मिलने वाले, दैट इज 3600 कूलम्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम इसके और वेरिएशन की बात करें स्टूडेंट्स, कि मान लेते हैं कि एक सेल है, अगर हम उसकी बोल रहे हैं कैपेसिटी जो है वो 40 एम्पियर आर है। ओके, तो इसका मतलब है कि 1 एम्पियर की जो करंट है एक सेल में से फ्लो कर सकती है, ओके, 40 आवर्स तक। ये पहला मीनिंग हो गया। ओके, ऐसा क्यों, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, अगर हम यहाँ 40 आवर्स रख देंगे, तो 40 आवर्स से मतलब कि वो 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर सकती है 40 आवर्स के लिए। ओके, एक सेल की कैपेसिटी उतनी है। अगर इसी को मैं बात करूं 100 आवर्स के अकॉर्डिंग, तो 0.4 एम्पियर की करंट फ्लो कर सकती है फॉर द 100 आवर्स। तो इस तरीके से इन वेरिएशन से भी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो यहाँ पे मेन एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि एक सेल है वो खराब होने से हमको बचाना है उसको, ओके, कि जो सेल है वो एग्जॉस्ट होने से हमको बचाना है, ओके, इसका मतलब कि जो सेल है उसके अंदर जितने भी चार्जेस थे वो पूरा कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाए, उसको बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, हमको स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो करना चाहिए। ओके, और लंबे समय तक करना चाहिए, बजाय इसके कि आप ज़्यादा करंट का फ्लो करिए, ज़्यादा एम्पियर की उसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करिए पर कम समय के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। उससे सेल की जो लाइफ होती है, ओके, वो बहुत कम हो जाती है। इट मीन्स वो ड्यूरेबल जो है उतना नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहे हैं तो बहुत कम समय तक ये चलेगा, अगर ऐसा हम यूज़ करेंगे सेल को, तो वो हो सकता है कि जो सेल है वो अपना काम करना स्टॉप कर दे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।